वेलकम फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग काउ एंड उसमें आज हम देखेंगे कॉनिक्स। नाउ व्हाट इज कॉनिक्स? कौन आपने जो देखा होगा कि ऊपर का भाग और नीचे का भाग राउंड सर्कल होगा उसको बेस कहते हैं। ऊपर देयर इज अ वर्टेक्स एंड द लाइन जेट इज कनेक्टिंग द वर्टेक्स एंड द सर्कल पार्ट इट इज नोन एज जनरेटर। और एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ द कॉन। हम कोण को कट करते हैं अलग अलग तरीके से। सपोज हमने ये पहला जो कट है मिस एक्सिस के परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमें सर्कल दिखाई देगा। कटिंग ये ऊपर का भाग रिमूव करके जो दिखाई देगा दैट इज अ सर्कल। तो सर्कल को हमें जानते हैं, बाकी के जो कर्व्स है उसको हम नहीं जानते। एंड द सेट ऑफ दिस ऑल कर्व्स इज नोन एज अ कॉनिक्स। नाउ व्हाट इज एन इलिप्स? मीन्स व्हेन वी कट द कॉन, when cutting plane angle with the base is less than the angle of generator with the base, you can also assume as alpha. तो alpha से कम है cutting plane का angle तो हमें ellipse दिखाई देगा। उसके equal है means is it if the cutting plane angle is same as the angle of generator and base, तो same है, ये parallel है दोनों, तो हमें parabola दिखाई देगा। और if the cutting plane angle is more than the एंगल ऑफ जनरेटर विद द बेस, तो उससे ज़्यादा होगा एंगल तो हमें हाइपरबोला दिखाई देगा। तो ये जो कर्व है, दिस सेट ऑफ दिस ऑल कर्व्स इज नोन एज अ कॉनिक्स। आज हम इस चैप्टर में ये सीखना है कि ये इसको ड्रॉ कैसे करना है। नाउ दैट इज वन ऑफ द चैप्टर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। नाउ दिस आर द डिफरेंट मेथड्स टू ड्रॉ इट। एलिप्स कैन बी ड्रॉन बाई 4 मेथड, पैराबोला कैन बी ड्रॉन बाई 3 मेथड एंड हाइपरबोला कैन बी ड्रॉन बाई 2 डिफरेंट मेथड्स। Now we will learn one by one in this next part. What is an ellipse by rectangular method? It is the most easiest and most common method. उसमें हमको ellipse को आपको बता है कि ellipse में अंडे जैसा shape होता है। उसमें दो axis होती है, one is a major and one is a minor. तो दोनों perpendicular होती है और they are crossing each other in the middle. So हमको major axis and minor axis का dimension दिया होगा इसके लिए। तो हमें कैसे draw करना है? First of all we will draw the major axis. इन द मिडल ऑफ दैट वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन। ऊपर का जो पार्ट है, सपोज 80 mm माइनर एक्सिस है तो ऊपर 40 mm जाएंगे, नीचे 40 mm जाएंगे। और देन आफ्टर वी विल ड्रॉ द रेक्टेंगल। हमें इसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस एंड द हाइट इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस। उसको इससे चार भाग में डिवाइड हो जाता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के ड्रॉ करने से। नाउ उसके एक पार्ट में हमें अभी शुरुआत करनी है। उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, उसका ये डायमेंशन है, ये 80 है तो ये 40 होगा और ये 120 है तो ये 60 होगा। नाउ दोनों को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसका चार भाग में डिवाइड करते हैं तो ये 60 का भी हमें चार भाग में डिवाइड करना है। वी हैव टू टेक केयर, यू कैन डिवाइड इन एनी इक्वल नंबर ऑफ द पार्ट्स, यू कैन टेक ए 5, यू कैन टेक ए 6, डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। ये डायमेंशन कौन से है जो हमें इजी से स्केल से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हम पार्ट ले सकते हैं। यहाँ 40 है तो 10 mm इच यू कैन इजीली डिवाइड बाय यूजिंग द स्केल। और ये चार पार्ट्स लिया, यहाँ पे नंबरिंग देते हैं, यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सेम वे यहाँ पे 0 1 2 3 4। ये मेजर एक्सिस को ए बी और माइनर एक्सिस को सी डी हम नाम देते थे। नाउ ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग आप यहाँ से देते हैं 0 1 2 3 4, आप रिवर्स भी दे सकते हो, मगर मैं जनरली यही मेथड यूज़ करता हूँ कि 0 यहाँ पे कॉमन रखता हूँ और 1 2 3 4 इस साइड से और 1 2 3 4 इस साइड से देता हूँ, तो इट विल बी वन मोर कम्फर्टेबल। नाउ ये जो साइड है, नाउ 0 1 2 3 4, ये पॉइंट को हमें डी से कनेक्ट करना है और बाकी के जो पॉइंट से 1 2 3 4 ये साइड के, उसको हमें सी से कनेक्ट करना है और उसको एक्सटेंड करना है। यहाँ 1 की जो लाइन है और 1 की जो लाइन है वो जो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट मिलेगा, उसको हम P1 स्पेसिफाई करेंगे। सेम वे 2 का 2 जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे P2 और 3 का जो 3 पॉइंट है वहाँ पे P3, और ऐसी ड्रॉ करके हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो ये पार्ट हो गया हमारा एलिप्स इन द वन पार्ट। तो सेम पार्ट में सेम साथ में सेम मेथड में हम चारों पार्ट में ड्रॉ करना है, तो उसे सेम मेथड भी रिपीट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ का दूसरा भी एक ऑप्शन है, वो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ ये जो तीनों पॉइंट है P1 P2 P3, इसके मिरर इमेज इस साइड है, तो वी हैव टू ड्रॉ द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करनी है? आपको ये मेजर एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तीनों में से, और ये यहाँ के जो डिस्टेंस है माइनर एक्सिस का
सपोज सी डी का मिरर इमेज है, तो सी डी से जितना डिस्टेंस दूर है पी थ्री उतना डिस्टेंस हमें मेजर करना है, और सेम डिस्टेंस यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस साइड, तो इस साइड भी आपको पॉइंट मिल जाएगा, उसको आप पी थ्री डेस्क, पी टू डेस्क और पी वन डेस्क भी आप लिख सकते हो, और यू कैन ड्रॉ द कर्व बाय दिस वे। तो आपको पूरा कर्व ड्रॉ करना है, तो यू कैन ऑल्सो मेक द मिरर इमेज ऑन दिस साइड ऑल्सो, इस साइड भी मिरर इमेज कर सकते हो, वरना आप सेम वे डिवाइड करके आप यही सेम मेथड आप चारों में भी फॉलो कर सकते हो। दूसरा एलिप्स इन पैरेललोग्राम, मीन्स यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई दिया होता है कि 100 mm एंड 70 mm लॉन्ग एंड 75 degree एंगल एंड यू हैव टू ड्रॉ द एलिप्स इन द इंस्क्राइब इट। तो आपको पहले 75 degree एंगल में लाइन ड्रॉ करनी है 100 mm, उसके मिडल में एग्जैक्टली इन द मिडल में 70 mm, 35 ऊपर 35 नीचे, और बाद में आपको इसी तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, और उसमें आपको सेम मेथड यूज़ करनी है, यू हैव टू डिवाइड द इक्वल नंबर ऑफ द पार्ट्स, यहाँ पे मैंने 4 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, 70 है तो 35 होता है, तो 35 को आप 5 भाग में डिवाइड करो तो भी 7 mm ईच होता है, तो सेम वे यहाँ पे भी सेम आपको लेना है, 4 भाग में लेना है, और आपको यूज करनी है, यहाँ पार्ट से उसको डी से कनेक्ट करना है, दूसरे जो पॉइंट से उसको सी से कनेक्ट करके एक्सटेंड करना है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री आपको स्पेसिफाई करना है, और बाकी की साइड में मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, इट इज़ लाइक सेम वे मिरर इमेज, बट दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू द मेजर एक्सिस दैट यू हैव टू टेक केयर। और दूसरी जो यहाँ से डायमेंशन सपोज लेके यहाँ पे लेते हैं, ये जो पार्ट में यहाँ पे एक्सटेंड करते हो, तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे दैट शुड बी पैरेलल टू द माइनर एक्सिस, यहाँ पे माइनर एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करो, और ये जो डायमेंशन है वही डायमेंशन आप यहाँ पे ड्रॉ करो, तो आपको वो सामने पॉइंट मिल जाएगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथड, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। एलिप्स में आपको ये भी पता है कि एलिप्स को जैसे सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है, सेम वे एलिप्स में आपको दो फोकस हो गए, दो फोकस होते हैं, दोनों फोकस दोनों साइड होते हैं, और ये जो फोकस है वो एलिप्स के अंदर की साइड होते हैं, और एलिप्स के बाहर की साइड आफ्टर मेजर एक्सिस जो है उसकी सेम लाइन में उसकी बाहर की साइड आफ्टर सम डिस्टेंस देर इज वन परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो मेजर एक्सिस है ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये दोनों को यूज़ कहाँ पे करते हैं, पहले हम एसेंट्रिसिटी डिफाइन करते हैं, एसेंट्रिसिटी क्या है, तो हम ये तीनों में एलिप्स पैराबोला एंड हाइपरबोला ये तीनों कर्व है, आप तीनों कर्व में एसेंट्रिसिटी होता है, आप देखोगे तो एलिप्स एकदम क्लोज कर्व है, पैराबोला इट वाज समवॉट ओपन बट नॉट इट इज क्लोज, ये क्लोज नहीं होगा, पूरा ओपन ही है मगर थोड़ा ओपन है, और हाइपरबोला उससे ज़्यादा ओपन कर्व है। ये तीनों कर्व हम इस मेथड से हम ड्रॉ कर सकते हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ पहले हम एसेंट्रिसिटी क्या है वो देखते हैं कि एसेंट्रिसिटी क्या है। सपोज यू टेक एनी पॉइंट, यहाँ पे एलिप्स में वन पॉइंट पी स्पेसिफाई किया हुआ है, यू टेक एनी पॉइंट, यू टेक ए डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस मीन्स पी एंड एफ, ये जो डिस्टेंस है, और दूसरा डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से मेजर करो, तो डी और पी ये दोनों का डिस्टेंस हमें मेजर करो। नाउ यू टेक ए रेशियो ऑफ दिस, ऊपर के भाग में ये पी एफ ले लो और नीचे के भाग में पी और डी का डिस्टेंस ले लो, और ये जो डिस्टेंस का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एलिप्स है उसमें ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, यू कैन टेक पॉइंट एनीवेयर, बट एसेंट्रिसिटी वॉट एवर वी हैव ड्रोवन विल रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे सपोज 2/3 है एसेंट्रिसिटी, तो ये एलिप्स के लिए 2/3 ही होगी, आप कहीं भी जाके पॉइंट ले सकते हो, यू कैन टेक पॉइंट ओवर हियर, यू कैन टेक पॉइंट ओवर हियर, एंड यू टेक ए मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, नाउ दैट रिमेन विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट। आपको यही फोकस फॉलो करना है, डायरेक्ट्रिक्स ये है तो आपको फोकस यहाँ पे यूज मेजर डिस्टेंस करने के लिए आपको ये फोकस यूज करना है, और डायरेक्ट्रिक्स आप ए साइड है दूसरी साइड डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर सकते हो सेम वे लाइक इससे मिरर इमेज, तो वहाँ भी आपको ये फोकस यूज़ करना है। मैम सेम वे इन पैराबोला, पैराबोला में भी आप यही एक पॉइंट स्पेसिफाई करो, तो आपको ये डिस्टेंस मेजर करो पी एफ एंड पी एंड डी, देट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। नाउ एलिप्स में एसेंट्रिसिटी है
ये वो एक से कम है, मीन्स फॉर इलिप्स एसेंट्रिसिटी इज लेस देन वन, फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन, एंड फॉर पैराबोला इट इज इक्वल टू वन। तो ये एसेंट्रिसिटी हमें दिया होता है, तो उसके बेस पे भी हम ये काउंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सर्कल में जैसे हम रेडियस यूज़ करते हैं, सेम वे इट इज़ एल एसेंट्रिसिटी ओवर हियर। मीन्स आप यूज़ करते हो कि कोई भी एक सर्कल लिए, सर्कल के लिए रेडियस कॉमन रहता है, रेडियस चेंज करोगे तो सर्कल का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का डायमेंशन चेंज होगा तो इलिप्स का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यू माइट बी अंडरस्टूड। नाउ एसेंट्रिसिटी और फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड में ड्रॉ करना है तो पहले हमें आपको दो डायमेंशन दिया होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, उसके बीच में डिस्टेंस सपोज दिया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि सपोज द एसेंट्रिसिटी 2/3 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 65, आपको 65 दिया हुआ है। तो आप इससे कर्व ड्रॉ करो, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमें पहले एक मिडिल पॉइंट चाहिए जहाँ से कर्व पास होता है। देखो आप आगे की स्लाइड में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो वी जो है, ये वी पॉइंट है जहाँ से कर्व पास होता है, देट इज ऑल्सो द कर्व पॉइंट ऑन द कर्व, तो वहाँ पे भी ये रूल लागू होता है। तो वही रूल एप्लीकेबल करके हमें वी पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वी पॉइंट कहाँ पे है, इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। तो आपको पहले स्पेसिफाई करना है कि वी कहाँ पे है, तो उसके मेज़र करने के लिए हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2/3 दिया हुआ है। तो आपको एक जनरल मेथड है कि 2 और 3 का एडिशन करो तो 5 हो जाएगा, और उसको 65 को 5 से डिवाइड कर दो तो देन 13 विल कम। नाउ 13 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3 में, तो ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 26 होगा, और नीचे की साइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 हो जाएगा। तो 26 एंड 39, नाउ 26 जो डायमेंशन है दैट इज़ द डायमेंशन फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स, दैट यू हैव टू टेक केयर। यहाँ पे आपको रखना है कि 26 है वो फोकस से डायमेंशन है, और 39 है दैट इज़ अ डायमेंशन फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। मीन्स दिस वी वी कैन पुट नाउ, वंस यू हैव गॉट दिस डायमेंशन तो आप वी रख सकते हो, उसके बाद हम मेथड शुरू कर सकते हैं। तो मेथड कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे पहले वी हमें स्पेसिफाई करना है, दिस इज नॉन एज ए फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। तो एलिप्स ड्रॉ करना है हमें, यही डायमेंशन दिया हुआ है। तो कैसे ड्रॉ करना है, पहले परपेंडिकुलर लाइन, यू पुट द आर्क वी एज अ सेंटर, वी एफ एज ए रेडियस, एंड वी विल फाइंड आउट अ वन पॉइंट, यू हैव टू कनेक्ट दिस पॉइंट टू द डी, एंड वी हैव टू एक्सटेंड इट, उसको एक्सटेंड करना है। दिस इज पार्ट वन, तीन पार्ट में हो जाएगा पूरा कर्व, ये पार्ट वन है। पहले वी से शुरुआत करना है, परपेंडिकुलर लाइन आर्क ड्रॉ करनी है, और उससे डी से कनेक्ट करना है और एक्सटेंड करना है। बाद में हमें पॉइंट लेना है वी से, वी से शुरुआत करने से कोई भी पॉइंट, वी से आगे कोई भी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 0.5 ऑल्सो, वट एवर यू वॉन्ट, बट नॉर्मली इट इज़ ए वन, इट इज़ बेटर इन एलिप्स, यू कैन टेक 1.5 ऑल्सो। उसके बाद वन से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, एंड जहाँ पे ये लाइन को क्रॉस करेगी वहाँ पे आप वन डेस्क नंबर देना है, 2 से 2 डेस्क, 3 से 3 डेस्क, 4 से 4 डेस्क। नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 2। नाउ द स्टेप नंबर 3, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ से कर्व पास होगा। तो पहले यू वन का यूज़ करते हैं, यू टेक द डिस्टेंस 1 to 1 डेस्क, यू मेजर दिस, टेक इसको हम 1 to 1 डिस्क हम लेंगे कंपास में, यू टेक द डायमेंशंस एंड यू पुट द आर्क ऑन द सेम लाइन एफ एज ए सेंटर, आपको एफ को सेंटर रखना है, और 1 to 1 डिस्क जितना डिस्टेंस को रेडियस लेना है, और यू टू पुट द आर्क ऑन 1 to 1 डिस्क सेम लाइन जहां से मेजर किया है। ठीक है, तो सेम वे आप इधर के ऊपर भी लेना है और नीचे भी लेना है, और दैट पॉइंट विल बी द P1 पॉइंट, एंड डाउन साइड वी कैन गिव द नेम ऑफ P1 डेस्क, डाउन साइड में आपको P1 डेस्क रख सकते हो। सेम वे यू कैन गिव द नेम ऑफ P2 और P2 डेस्क। यहाँ पे भी क्या किया है, डिस्टेंस 2 to 2 डेस्क, एंड एफ एज ए सेंटर, एंड पुट द रेडियस 2 to 2 डेस्क एज ए डिस्टेंस। सेम वे P3 एंड P4, आप ये तीन सब पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, वी से पास होगा कहो, तो देन वी विल गेट द फाइंड आउट द
कर्व दैट इज नोन एज एलिप्स। एंड उसको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कोई भी पॉइंट दिया होगा आप, यू कैन टेक एनी पॉइंट, गिवन पॉइंट और एनी पॉइंट, यू कनेक्ट विद द एफ। नाउ पी और एफ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज क्रॉसिंग द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से पी को कनेक्ट करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे, तो दैट विल बी अवर टेंजेंट। एंड उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमें नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर। नाउ एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स दो सर्कल का और वन से ज़्यादा कोई भी सर्कल हो उसका सेंटर एक होता है, तो दैट इज़ अ मीनिंग मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसमें दो सर्कल हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो डायमेंशन दिया हुआ है, तो वी हैव टू ड्रॉ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस के मिडल में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड 40-40 लेके माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। और नाउ ये दोनों का जहाँ इंटरसेक्ट होता है दैट इज़ अ सेंटर, एंड माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस का जो आधा पार्ट है उसको रेडियस लेके हमें कर्व ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ दीज आर द टू सर्कल वी कैन ड्रॉ। ये जो सर्कल है वो मेजर एक्सिस के एंड से पास होता है, ये जो सर्कल है वो माइनर एक्सिस के एंड से पास होता है। ए बी और सी डी इज़ ए मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, नाउ आगे क्या करना है? आपको ये सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको नंबरिंग देना है। नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 days, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, सेम वे इनर का जो पॉइंट है वहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12। नाउ स्टेप नंबर 3, पॉइंट देके आपको क्या करना है, अंदर का जो पॉइंट है वहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस से पैरेलल और इन बिटवीन दी टू सर्कल, ये दोनों सर्कल के बीच में ड्रॉ करनी है, वहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। और बाकी जो पॉइंट से वहाँ से आपको स्टैंडिंग लाइन मीन्स वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज इंटरसेक्टिंग विद द अर्लियर लाइन। तो वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमें P1 पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सेम वे टू P2 P3 तो ऑलरेडी यही, मगर आपको यही पॉइंट मिलेगा। सेम वे इट इज़ P4, अंदर का जो पॉइंट है वहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड बार का जो पॉइंट है वहाँ से वर्टिकल। P5 एंड P6 P7 अंदर का जो पॉइंट है वहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड बार का जो पॉइंट है वहाँ से वर्टिकल, वहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इट इज़ अ सेम P4 P7 P8 P9 ये सब पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एलिप्स। दिस इज द मेथड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इट इज़ क्वाइट ईजी बट यू हैव टू टेक केयर टू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इट इज़ सम व्हाट पीपल आर कन्फ्यूजिंग ओवर हियर। ये जो लाइन है दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस एक्सिस। दैट टेक केयर, यू हैव टू टेक केयर। आर्क ऑफ सर्कल मेथड मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द आर्क। यहाँ पे आपको ये मेजर एक्सिस चाहिए एंड दो फोकस चाहिए, तो यहाँ पे फोकस आपको नहीं दिया है तो आपको फोकस मेजर करना है। तो फोकस हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है तो फोकस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ का एक लॉजिक है कि डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एक्सिस एंड द मेजर एक्सिस का जो आधा जो डिस्टेंस है दैट इज़ द डिस्टेंस विल रिमेन। यहाँ पे सॉरी दो फोकस का यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, आप समझ लो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इट इज़ गिवन एंड मेजर एक्सिस इज गिवन। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रोवन ओवर हियर 120 देन मिडल पार्ट लिया, वहाँ से 45 दिस साइड एंड 45 दिस साइड। सो वी हैव टेकन द F1 एंड F2, दीज आर द टू फोकस। ये मेथड पहले सीख लेते हैं, बाद में मैं बताता हूँ कि हमको फोकस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें पॉइंट स्पेसिफाई करना है, दैट पॉइंट वी हैव टू टेक फ्रॉम द F1 से पॉइंट लेना है और 1, 2, 3, 4 दिस डिस्टेंस यू कैन टेक एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। और देन आफ्टर वॉट वी हैव टू डू, यू हैव टू टेक द A21। नाउ वन नंबर का पॉइंट लेते हैं, A21 एज ए डिस्टेंस मेजर करना है आपको, कंपास में फिक्स करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ द आर्क बाई यूजिंग द F1 एज ए सेंटर। आप यहाँ से डिस्टेंस लेते हो तो F1 से आर्क लेनी है और सेम वे यू हैव टू टेक द डिस्टेंस वन टू बी डिस्टेंस लेना है और F2 से आर्क लेनी है। यू हैव टू ड्रॉ द आर्क फ्रॉम द F2 एंड दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इज़ द अवर P1 पॉइंट,
that we require. Same way you can take the same distance and you can take the arc in the bottom side also, आप नीचे भी ले सकते हो उसके साथ साथ ही, तो यहाँ पे P1 डेस्क आप नाम दे सकते हो. सेम वे P2 में 2 नंबर का पॉइंट लेते हैं, तो A2 एज ए डिस्टेंस एंड F1 एज ए सेंटर, देन 1 आर्क विल कम ओवर हियर एंड 2 to B एज ए डिस्टेंस एंड F2 एज ए सेंटर यू विल पुट द 1 मोर आर्क. नाउ दिस आर्क विल क्रॉस टू इच अदर, देन इट इज ए P2. तो आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो आपको एलिप्स मिल जाएगा सेम मेथड में. और दूसरा हम कोई भी पॉइंट लेते हैं वहाँ को F1 और F2, यहाँ से नॉर्मल आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो दोनों F1 और F2 से ज्वाइन करना है और उसको बाइसेक करना है, एंगुलर बाइसेक मेथड, तो आपको नॉर्मल और टेंजेंट मिल जाएंगे. नाउ ये जो मेथड का प्रिंसिपल है कि यू टेक एनी पॉइंट एंड एनी पॉइंट से आप F1 एंड F2 को कनेक्ट करो, आप यू कनेक्ट दिस लाइन एंड मेजर इट, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मेजर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस के समान होता है, आप कोई भी देख सकते हो. यहाँ का जो सपोज ये P1 पॉइंट हम स्पेसिफाई करते हैं, P1 पॉइंट लेते हैं, तो P1 पॉइंट से आप ये F1 का मेजर करो कितना होता है A21, और P1 से F2 का डिस्टेंस मेजर करो कितना होगा 1 to B, तो ये दोनों का एडिशन करो तो क्या होगा AB जितना, मेजर एक्सिस जितना. तो यही प्रिंसिपल पे ये मेथड रूटीन है, आर्क ऑफ सर्कल मेथड. और यही मेथड यूज़ करके हम मेजर एक्सिस एंड माइनर दिया हुआ है तो फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, यहाँ माइनर एक्सिस अभी ड्रॉ नहीं किया हुआ है, मगर माइनर एक्सिस आप ड्रॉ करो तो माइनर एक्सिस का जो एंड है उससे फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस का जो पूरा डिस्टेंस है उसका हाफ करो, उतना डिस्टेंस आपको फोकस और माइनर एक्सिस के एंड भी बीच पे होगा. बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल यू कैन फाइंड आउट द फोकस और यू कैन फाइंड आउट द माइनर एक्सिस, वॉट एवर इट इज नॉट गिवन. तो 3 पब्लिक पास है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोकस और फोसाई. नाउ यूजिंग दिस प्रिंसिपल यू कैन फाइंड आउट द एनी वन दैट इज नॉट गिवन. ये 3 में से आपको 2 दिया हुआ है और 1 नहीं दिया हुआ है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये रोम्बस मेथड का एलिप्स है वो आपको आइसोमेट्रिक में यूज होगा, आपको रोम्बस मेथड कॉम्बस का डायमेंशन दिया होगा, तो यू हैव टू ड्रॉ द रोम्बस, देन यू हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट्स एंड यू हैव टू कनेक्ट टू द ऑपोजिट पॉइंट्स. ये जो बड़ा जो एंगल है 120 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, तो यहाँ से आपको मिड पॉइंट पे कनेक्ट करना है और यहाँ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ इज अ सेंटर एंड दिस इज अ रेडियस, आपको ये रेडियस लेके पूरी एक आर्क ड्रॉ करनी है. सेम भी ऑन अदर साइड, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स जो मिलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट में सेंटर लेना है और ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लेना है और आर्क लेनानी है. और यहाँ पे जो आर्क, जो बड़ी आर्क है, दैट आर्क वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम हियर, दिस इज एज अ सेंटर एंड यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस एज ए रेडियस. सेम वे ऑन अदर साइड, दिस इज एलिप्स. नाउ पैराबोला इज अ मोस्ट कॉमन कर्व दैट वी आर यूजिंग इन द नॉर्मल लाइफस्टाइल्स. तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम स्टोन को फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो उसका जो पाथ का कर्व बनता है वही पैराबोला है. और आप DTH के शेप को जो कर्व डिस्क है, डिस्क का शेप और सनलाइट का रिफ्लेक्टर है इन सोलर कुकर, और आपको कोई भी सिग्नल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पीछे जो डिस्क बनाते हैं जो हमें आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज होती है, दैट इज आल्सो कर्व मेड बाय पैराबोला. सो पैराबोला वाटर फाउंटेन का शेप है. आप कोई भी चीज़ जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है उसको थ्रो करोगे तो बाय ग्रेविटी इट विल कम डाउन, तो दे विल मेक द शेप पैराबोला. सो पैराबोला हमें 3 डिफरेंट मेथड से हम ड्रॉ कर सकते हैं. फोकस डायरेक्ट्रिक्स तो सेम मेथड है ही, और दूसरा है रेक्टेंगुलर मेथड, थोड़ा जुदा है एलिप्स से, और ट्रायंगुलर टेंजेंट मेथड. ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड में डिफरेंस इतना है कि इसकी एसेंट्रिसिटी 1 है, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी सपोज कभी भी स्पेसिफाई भी नहीं करते हैं, तो आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रॉ द पैराबोला, इट मीन्स एसेंट्रिसिटी इज 1. एसेंट्रिसिटी 1 है तो क्या होगा, ये दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, VF एंड VD विल बी इक्वल. तो ये डिस्टेंस आपको 50 दिया हुआ है तो उसका सिंपली आप मिडिल पॉइंट ले लो, यहाँ 50 mm दिया हुआ है तो ड्रॉ दिस 50 mm
एंड यू टेक द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क लेके नीचे आर्क ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाइसेक ड्रॉ करो एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक विल क्रॉस फ्रॉम द वी, दैट इज ए मिडिल पॉइंट। और आपको वी मिल जाएगा, बाद में सेम मेथड है, आपको परपेंडिकुलर लाइन, पुट द आर्क, ड्रॉ द लाइन, देन यू टेक द पॉइंट्स, ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, then you find out the 1 days 2 days 3 days. This is the part number 1 2. Now part number 3, take a point 1 to 1 days distance, F as a center, put the arc on the 1 to 1 days line, P1 and P1 desk. Same way 2 to 3 days as a distance, F as a center, put the point P2 and P2 desk, same way as a F3. Or you draw join these lines and make a smooth curve passing from the V. It should pass from the V. V से pass होता है, तो put the parabola. Our normal tangent, same method. You join it from the any point, join it from the focus. You draw the perpendicular line and intersecting the directrix, that point, and join the P. That line will be the tangent. And perpendicular line to that will be the normal. उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट विल बी द नॉर्मल। पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, यहाँ पे आपको दो डायमेंशन दिया होगा, कर्व का बेस एंड कर्व का हाइट, तो यू हैव टू ड्रॉ द 120 mm दिया हुआ है, तो 120 बाय 80 का रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है, उसको दो भाग में डिवाइड करना है, ओनली टू पार्ट्स, इलिप्स में चार पार्ट्स थे, यहाँ पे दो पार्ट्स है। नाउ यहाँ पे जो पहले दोनों साइड का अलग अलग हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ का जो 480 mm है और ये आधा पार्ट है 60 mm, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ का 80 mm का 20 mm इच और यहाँ का 60 है, उसको चार भाग में डिवाइड करें तो 15 mm इच। 1 2 3 4 नंबरिंग हम 0 यहाँ से देते हैं, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, उसको हम यहाँ सी और डी, यहाँ डी से कनेक्ट करना है और बाकी के जो यहाँ नीचे जो पॉइंट्स है उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। और वहाँ पे जो वन की लाइन वन से क्रॉस होती है, इंटरसेक्ट होती है, वहाँ पे मैं P1, 2 की 2 के जो क्रॉस होती है वहाँ पे P2 और 3 to 3 के जो क्रॉस होती है वहाँ पे P3। सेम वे आपको दिस साइड भी ड्रॉ करना है, सेम वे, सेम मेथड इज यूज। यहाँ पे दो ही भाग है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और आपको बच्चों को जब भी ड्रॉ करते हो तो ये दोनों मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मेथड इज यूज फॉर इलिप्स ऑल्सो एंड फॉर पैराबोला ऑल्सो। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि दोनों में यहाँ दो ही भाग है और दो ही भाग में ड्रॉ करना है, वहाँ पे चार भाग करके हमें ड्रॉ करना है, और वहाँ पे दूसरा भी एंड होता है तो उसको थ्रू कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं करते हैं, इसमें ये दो जो नीचे का पॉइंट है उसको नीचे के पॉइंट माइनर एक्सिस के दूसरे एंड से ज्वाइन करते हैं। पैराबोला बाय टेंजेंट और ट्राइंगल मेथड, इसमें कोई भी डायमेंशन से आपको ट्राइंगल दिया होगा तो यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल। तो नाउ यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें हमको बेस दिया हुआ है और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो बाई यूजिंग दिस एल्टीट्यूड यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करके हमें क्या करना है, हमें ये जो बार की जो साइड है उसको मेजर करना है, और ये दोनों साइड सेम होगी और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। नाउ इक्वल पार्ट्स में बी 8, मे बी 10, मे बी 9, वट एवर इट इज, डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। सपोज 80 mm होती है तो हम 8 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वी कैन मेक इट इजीली बाई यूजिंग द स्केल। 20 mm होती है और 15 mm, 10 mm, 100 mm होगी तो आप उसको 10 बार भी डिवाइड कर सकते हो। और नंबरिंग देना है, नीचे 0 करना है और ऊपर बढ़ता जाएगा, और दूसरी साइड भी सेम डिवाइड करना है मगर नंबरिंग रिवर्स देना है, ऊपर 0 नीचे 8। तो इसको 1 को 1 ये हो जाने के बाद ये दोनों को कनेक्ट करना है, 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये जो लाइंस है, दिस ऑल लाइंस, ये जो लाइंस है सब ये पैराबोला की टेंजेंट है, तो आपको एक ऐसा स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है, एकदम स्मूथ पासिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एंडिंग फ्रॉम 8। यहाँ पे 8 में एंड होगा,
मगर ये जो टच करेगा सभी लाइंस को सिर्फ इट विल टच, इट विल नॉट क्रॉस. तो एकदम स्मूथ कर्व ड्रॉ करोगे तो देयर विल बी द पैराबोला. एंड वन मोर थिंग इज देयर, द हाइट ऑफ दिस कर्व विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. सपोज यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट, यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट दिया हुआ है और ट्राइंगल की हाइट के बदले आपको कर्व की हाइट स्पेसिफाई करता है कि ये कोई भी बॉल फेंकते हैं हवा में तो ये 25 mm ऊपर जाता है, तो आपको ट्राइंगल कितना ड्रॉ करना है, तो ट्राइंगल हाइट विल बी द डबल ऑफ द कर्व हाइट. कर्व की जो हाइट है उससे डबल होती है, तो दैट ये आपको एक ध्यान में रखना है. ठीक है, ओके. नाउ फोकस दैट हाइपरबोला. हाइपरबोला में क्या है डिस्टेंस, हाइपरबोला में डिफरेंस क्या है एफडी मेथड में. हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी इज 3/2. एसेंट्रिसिटी जो है वो 3/2 है, तो दिस डिस्टेंस विल बी मोर, दिस डिस्टेंस विल बी लेस. तो आपको सेम मेथड यूज करनी है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट आप स्ट्रेट लाइन करो, 1-2 फाइंड आउट करो और पॉइंट फाइंड आउट करो और उसमें कर्व ड्रॉ करो. सेम मेथड और टेंजेंट और नॉर्मल भी सेम मेथड से यूज होता है. और हाइपरबोला बाय कोऑर्डिनेट मेथड, उसमें कोई भी एक पॉइंट दिया होता है जिसका दो डायमेंशन दिया हुआ है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लाइक दैट, के एनी वन इज 30 एंड वन इज 40. तो यू कैन एज्यूम एनीथिंग, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि 30 एज एक्स ले सकते हो, 40 एज ए वाई ले सकते हो. दिस इज जैसे पीवी डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, आपको जैसे गैस कर्व में दिखा हुआ कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो दिस प्रिंसिपल विल रिमेन्स विद द हाइपरबोला और दिस कर्व कैन बी ड्रॉन बाय हाइपरबोला. तो नाउ उसको कैसे ड्रॉ करना है, पहले हम कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, उसमें 30 mm और 40 mm कोई भी एक्स और वाई का सिलेक्ट करके, यहाँ पे 30 मैंने एक्स में लिया है, 40 वाई में लिया है, और वी विल ड्रॉ द वन परपेंडिकुलर लाइन, वी विल फाइंड आउट द वन पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद ये जो पार्ट से उसमें हम कोई स्पेसिफाई पॉइंट करेंगे, ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, 10 mm, 15 mm, व्हाटएवर द डायमेंशन यू वांट. आपको जो डाउट है वो आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, और ये दोनों देके नंबरिंग दे सकते हो. इसको आप ओरिजिन से ज्वाइंट करो, तो जहाँ पे क्रॉस करेगा दूसरी लाइन को वहाँ पे हम 1-2-3 पॉइंट हम देंगे. बाद में एक लाइन से हॉरिजॉन्टल और एक लाइन से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमें P1 स्पेसिफाई करना है. सेम वे P2, सेम वे P3, सेम वे P4. यहाँ पे देखो ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो यही पॉइंट आएगा. इसको रेक्टेंगुलर मेथड भी कहते हैं क्योंकि दिस विल बी द वन रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर होता है पूरा. और ये P5, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दिस द पॉइंट विल पास फ्रॉम द गिवन पॉइंट, हमको जो पहले पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से पास होगा. एंड या थैंक यू, आई होप सो यू माइट हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आपको आप पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो. तो आगे के मैं दूसरे वीडियो भी मैं आपको अपडेट करूँगा और यू कैन गिव मी द फीडबैक. थैंक यू ऑल.